हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जया। और मैं हूँ जया। और आज आप लोग इस टाइम मुझे इस लुक में देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया है। एक्चुअली आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है और मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हुई हूँ। वर्किंग डे था तो दिन में हम कुछ कर नहीं पाए, मतलब दिन का कुछ प्लानिंग नहीं होता है वर्किंग डे में, तो जो होता है वो रात को होता है। मतलब अभी शाम हुआ है, 6:30 हो रहा है, देख सकते हो आप 6:30 हुआ है और वो ऑफिस से आ गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली मैं साड़ी वाड़ी सूट पहनती नहीं हूँ ज़्यादा कुछ ऐसा, मतलब साड़ी भी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, सूट भी ज़्यादा नहीं पहनती। तो एक ये मेरे पास न्यू था ड्रेस और कुछ मैं जो न्यू ली हूँ वो मतलब मैं आपसे यहाँ रख के बात करती हूँ। तो मेरे पास एक ये न्यू कुर्ती था तो मैं सोची चलो यही पहन के मंदिर चली जाती हूँ। तो ये कुर्ती कैसा लग रहा है पता नहीं मेरे को, मैं भी फर्स्ट टाइम पहनी हूँ, वैसे ठीक लग रहा है। मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। तो मैं सोची यही कुर्ती पहन लेती हूँ, न्यू है। और जो भी ड्रेस ली हूँ मैं वो तो आपको पता ही है कि मेरा कौन सा ड्रेस मैं पहनती हूँ। और मैं एक कुर्ती ये से ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ, तो एक न्यू मेरा पहन ली और साड़ी भी नहीं खरीदी हूँ। तो मंदिर ही तो जाना है, मंदिर जाके फिर प्रणाम पूजा वूजा करके आ जाऊँगी और फिर जाएंगे हम डिनर के लिए। तो कुछ खास ऐसा हुआ नहीं कि बहुत बॉम्ब जैसा नहीं करी हूँ इस बार कुछ। लास्ट ईयर तो गए थे हम बाहर, शिमला गए थे, लास्ट ईयर भी गए थे। मतलब हम अक्सर बाहर ही जाते हैं, जब भी मैरिज एनिवर्सरी होता है तो हम बाहर जाते हैं। बट इस ईयर में कुछ ऐसा था हम बाहर नहीं जा पाए, मैं तो कुछ रीज़न था बताऊँगी मैं आपको बाद में जो हम बाहर नहीं गए। और इस बार हम यहीं हैं तो सोचे चलो मंदिर होके आ जाते हैं, उसके बाद डिनर के लिए जाएंगे। तो अभी हम मंदिर निकलेंगे और मैं रेडी हो गई हूँ पूरा। मुझे ज़्यादा कुछ मेकअप आता नहीं सूट साड़ी पे, तो मैं ऐसे ही सिंपल एक बिंदी लगा दी हूँ, काजल लिपस्टिक और एक झुमका पहन ली हूँ। और गला खाली, मतलब खाली रख के मंदिर नहीं जाते हैं, तो ये एक पहन ली हूँ छोटा सा। कुछ ज़्यादा हार वार नहीं पहनी हूँ, चूड़ी पहन ली हूँ, एक चूड़ी पहनी हूँ मतलब मंदिर के लिए, और पायल पहनी हूँ, बिछिया पहनी हूँ, जो मंदिर के लिए होता है वो सब, मतलब मंदिर जाने से पहले पहनना आ जाता है वो सब मैं पहन चुकी हूँ। और अब दुपट्टा भी ले ली हूँ, रेड कलर का ही दुपट्टा है वो भी, मतलब पूरा ड्रेस न्यू है, ऐसा नहीं है कि मतलब ओल्ड है, पूरा ड्रेस न्यू है। एक नीचे का जो पजामा है प्लाजो वो थोड़ा सा है, न्यू ही है वो, मतलब पहनी नहीं हुई तो न्यू ही है, तो वो पहन ली हूँ मैं। और प्लाजो मेरा ये है। तो हम जाएंगे मंदिर और मंदिर जाएंगे तो फिर जाएंगे डिनर के लिए। तो सोच रही हूँ मैं भी पूजा कर दूँ, घर में पूजा नहीं की हूँ, जो शाम को मैं दिया दे जाती हूँ वो दिया नहीं जलाई हूँ और रेडी हो गई हूँ। तो दिन में तो पूजा कर दी थी तो अभी न्यू ड्रेस पहन के ही दिया जला देती हूँ, फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर बाद। और मेरा ये लुक कैसा लग रहा है मैं नहीं बोल सकती, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इस लुक में मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, अजीब लगता है थोड़ा। और आज मैं बड़ी बड़ी दिखती हूँ ना इस लुक में। मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। और हम आ गए थे और लिफ्ट एक सेकंड के लिए नीचे चला गया, यही था मेरी गलती है मेरी। और पति देव को दिखाऊं, मेरे पति देव नहीं आए, नहीं आ गए। जी इधर वाली आ गई, अरे भैया रुक जा, बड़ा बेकार लिफ्ट है ये। और फिर मिलते हैं कुछ देर में आपसे। ओ गॉड, ये दुपट्टा सब ना।
पार्किंग में। और आप लोग कैसे सूट संभालते हो, दुपट्टा संभालते हो, मुझे जरा बताना। और हम आ गए हैं मिठाई लेने। क्या बैड स्मेल आ रहा है यहाँ। यहाँ से स्वीट्स लेके हम निकलेंगे बीकानेर वाला। हाँ सब ज़्यादा तब में जो सोसाइटी है उसके पास पास सब है, तो ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं पड़ता है। मेन मार्केट यही है पास में ही। मम्मी धोएंगे क्या। पूजा करते थे और ये मिश्री जो होता है ना बहुत खाती थी। वो थैला रख लिया क्या, थैला है रख ली जूठी में, मेरे पास भी है वैसे। क्या इसमें रखना है।
बैठ जाओ दे देना और ये प्रसाद चटा दी बैग भी रख दूं क्या आज ही कुर्ती पहनी आज ही पत्नी को रेडी है ये आज ही कुर्ती पहनी हूँ आज ही पत्नी को रेडी है अटक गया उसमें ना बोले थे ना ध्यान से अरे वो बहुत दूर है लेकिन पकड़ दिया ना मुझे मुझे पकड़ दिया मिठाई नहीं खाएगा हाँ अब हम खाएंगे अपना प्रसाद निकल गए हैं वहां से और मैं बाल बांध दी बहुत एडी थोड़ी सी बाल से तो मॉल बंद हो जाएगा हां समझ गए तो बाबू का शॉपिंग करा लेते अरे कोई नहीं तो शॉपिंग अभी इसी पे से कर देंगे हम फिर तो शॉपिंग का ऑप्शन मिल रहा है तो मैं बोली यही बाबा जी के ड्रेस में ही मैं शॉपिंग कर लूंगी अरे ये ड्रेस पहनी हुई है ड्रेस पहन कैसे जाऊं अच्छा नहीं लग रहा है और फाइनली हम घर जा रहे हैं आज नहीं जाएंगे शॉपिंग के लिए डन हो चुका है कि नेक्स्ट मंथ चलेंगे शॉपिंग के लिए या तो नेक्स्ट संडे जाएं या नेक्स्ट मंथ जाएं नेक्स्ट संडे तो नेक्स्ट मंथ ही है ना हाँ अच्छा मतलब नेक्स्ट संडे जो भी है नेक्स्ट मंथ है चाहे नेक्स्ट संडे जो भी है मुझे डेट फाइनल नहीं याद है तो हम नेक्स्ट संडे जाएंगे शॉपिंग के लिए डन हो गया और आज जाएंगे हम चेंज करके और डिनर के लिए जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया अभी जाएंगे शॉपिंग के लिए तो होगा भी नहीं हाँ संडे अच्छा 1 तारीख संडे हाँ तो नेक्स्ट मंथ ही हो गया ना हाँ 26 है ना आज और हाँ आज 26 है मेरा मैरिज एनिवर्सरी 26 नवंबर है शायद मैं बताई हूँ आप लोगों को ये पूरा क्या बोलते हैं पूरा रामायण पढ़ गया और सीता कौन था पता ही नहीं चला बताई हूँ शायद उसी पे तो लगे ही रहते हैं लगे रहते हैं एकदम से कहीं और हाथ लग जाए बट अब तो मिल गई है बस काफी है सुंदरी तो काली माई लग रही है सुंदरी नहीं लग रहा थोड़ा सा वो टंक निकालूंगी पूरी काली माई हो जाऊंगी ओके फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर अब ये ड्रेस चेंज करके मैं दूसरा ड्रेस पहन के थोड़ा सा फ्रेश होके निकलूँगी डिनर के लिए तो फिर ये रहेगा मेरा एनिवर्सरी मैरिज एनिवर्सरी पार्ट 1 ब्लॉग और अब मैं मिलती हूँ पार्ट 2 ब्लॉग में तब तक के लिए बाय आपको कैसा लगे पार्ट 1 ब्लॉग बताना पक्का बाय